अपने पूर्वजों की यादें को कल साथ लेकर आऊंगा, देखना तू क्या होगा ट्रैवल कॉम्बैट में। स्टिक जलेगी, चेयर भी जलाऊंगा, वो हेड ऑफ द टेबल जरूर है लेकिन कल वो टेबल के आर पार जाएगा। रोमन रेंस को हरा के मैं बनूंगा न्यू ट्रैवल चीफ और न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन जे उसो मैं ये नहीं मानता। गाइज आप ही बताओ, जब जे उसो सोलो सिकुआ के सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो वो रोमन रेंस का क्या उखाड़ पाएंगे? अपने भाई जिमी उसो का बदला लेना है रोमन रेंस को हॉस्पिटल भेज कर। लेकिन अगर ऐसा ही समर स्लैम में रहा तो जिमी उसो तो हॉस्पिटल में है ही, कल रोमन रेंस जे उसो को भी वहाँ भेज देंगे। तो हे गाइस वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। समर स्लैम से पहले के इस आखिरी स्मैकडाउन में आज क्या हुआ है ये हम लोग जानने वाले हैं। और ये आप लोग देख रहे हो जे उसो और रोमन रेंस की ये कितनी पुरानी पिक्चर है, लेकिन तब वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है ये देखो। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जे उसो का मैच सोलो सिकुआ के साथ होता है। अब गाइज अगर मैच की बात करें तो क्या मैच था सोलो सिकुआ के लिए? मैच देखने से ऐसा लग रहा था कल समर स्लैम में जे उसो नहीं बल्कि सोलो सिकुआ रोमन रेंस से फाइट करने वाले हैं। आप लोग खुद देखना कितनी गंदी तरह से सोलो सिकुआ जे उसो की पिटाई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि जे उसो ने सोलो सिकुआ को नहीं पीटा है, जे उसो भी सोलो को दो चार पंचेस मारते हैं लेकिन सोलो सिकुआ को तो कुछ हो ही नहीं रहा था, बल्कि मार खाने के बाद वो और बुरी तरह से जे उसो को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइस क्योंकि समर स्लैम में जे उसो का मैच रोमन रेंस के साथ है तो उन्हें तो इस मैच को जीतना ही था। मैच के लास्ट मोमेंट में जे सोलो को एक स्पेयर लगाते हैं, फिर इसके बाद उसो फ्लैश के साथ वे इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद तो गाइस हद ही हो गया, स्पेयर लगाया, उसो फ्लैश लगाया, लेकिन सोलो मैच हारने के बाद तुरंत खड़े हो जाते हैं और वो वापस से जे उसो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर वही समर स्लैम वाला सीन आता है, सोलो जे उसो पर स्टील चेयर से अटैक करते, लेकिन WWE को तो जे उसो को अपर हैंड देना था, जिस वजह से सोलो सिकुआ को जे उसो से मार खाना पड़ता है। तो गाइज मैं वही कह रहा था, जब जे उसो सोलो के सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो वो रोमन रेंस के सामने क्या टिकेंगे? और समर स्लैम में तो रोमन का साथ देने के लिए रिंग साइड पॉल हेमन और सोलो सिकुआ दोनों होंगे। तो अगर जे उसो का कल समर स्लैम में यही परफॉर्मेंस रहा तो वो ट्रैवल चीफ और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्या अपने भाई जिमी उसो का बदला भी रोमन रेंस से नहीं ले पाएंगे? और ऐसा नहीं हो कि रोमन जे को भी जिमी के पास भेज दे हॉस्पिटल में, क्योंकि पॉल हेमन ने आज अपने प्रोमो में कहा था जे उसो के साथ जो कल होगा वो जे उसो की गलती नहीं होगी, WWE यूनिवर्स की गलती नहीं होगी, मेरी गलती नहीं होगी, वो आपके ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की जिम्मेदारी होगी, कोई पछतावा नहीं होगा, कोई माफी की मांग नहीं होगी, अगर कुछ होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ अंत जे उसो का समर स्लैम में। क्या गाइज ये मैच सिर्फ एक जरिया है समर स्लैम के लिए? क्योंकि WWE को तो फैंस को यहाँ कुछ और ही दिखाना है। गाइज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। समर स्लैम का मैच कार्ड प्रिडिक्शन रिटर्न्स ये नेक्स्ट है, तो चैनल पर एक्टिव बना। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।